अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गया माई न्यू व्लॉग। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई आबिद खटक। तो आज का न्यू व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जी जनाब, यह है मेरा दोस्त। आप बोलोगे कि हर वीडियो में आपके दोस्त होते हैं, लेकिन ये मेरा दोस्त है। ये सियालकोट से आया है, अकमल नाम है। ये इधर आया है दुबई का, नहीं सऊदी जा रहे, तो उसकी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आया। तो अभी हम जा रहे हैं सोहा गार्डन इसके दोस्त के साथ मिलने। तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे सोहा गार्डन, आपसे वहाँ पर जाके करेंगे हम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस अभी जा रहे हैं। हम पहुंचे सोहा गार्डन, पहुंच गए। तो अभी आपको दिखाते हैं ये सोहा गार्डन और मेन एंट्रेंस वगैरह सारा कुछ आपको दिखाते हैं। आबद भाई जा रहे हैं, आज कह रहे थे कि पैदल ही जाना है। मेन इंटरेस्ट पे उतरे हैं हम, तो कह रहा था कि यहाँ से पैदल चलते हैं डी ब्लॉक तक। ज़्यादा फैसला नहीं है, यही है कोई 100 मीटर तक। बेटर डेट का फैसला है, आपकी जगह पे आए और हम पैदल जा रहे हैं, ये क्या बात। ये मेरा दोस्त है अकमल जी। अकमल बताएं, ये किधर जा रहे हैं यार? डी ब्लॉक में जा रहे हैं। इतनी दूर आप लेके आए हो, पैदल पे लेके आए? ये क्या सिस्टम से? तकरीबन 50 से 100 मीटर के आसपास। ये देखिए, 50 से 100 मीटर के पास है ये। हमने तकरीबन जो है ना, आधा घंटा सफ़र किया, अभी भी 50 से 100 मीटर की दूरी पे आया यार। हमें लेके आया था कि यार आपको जो है ना, तकरीबन हमने इतना दूर नहीं लेके जाना है, जितना भी है वो लेके जा रहे हैं। भाई जान, 2 मिनट का फासला हमने तय किया। अभी 2 मिनट का फासला थी कि आधा घंटे का फासला थी क्या यार? रवात से निकले हुए यार, रवात की बात नहीं है यार। ये देखना, रवात से हम निकले हुए तकरीबन, कह रहे यार पैदल पे इतना रास्ता नहीं है, अभी इतना टाइम लग रहा है कि क्या बोले। अभी अली, अभी हम पहुंचे हैं डी ब्लॉक में। तो अपने दोस्त से पूछते हैं कि भूख लगी है, तो ये हमें क्या खिलाएंगे? अकमल जी, क्या खिलास हो? आज हम आपको खिलाते हैं कोटा होटल की मशहूर चाय। हाँ, साथ में देखते हैं उनके पास क्या है, मेन्यू देखेंगे। अच्छा, नहीं तो रोटी खिलाओगे या केक वगैरह की मेन्यू आप देख रहे होगे? नहीं नहीं, रोटी के। अच्छा, क्योंकि टाइम जो है ना, 1-2 बजे का टाइम है तकरीबन। अभी देखते हैं कि उस बेटा होटल पे क्या मिलता है, तो आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ का है। उनका पराठा बहुत मजे का है। अच्छा, टेस्ट करेंगे। तो अभी एक हमारा दूसरा दोस्त आ रहा है जिसके पास हम जा रहे हैं, तो वो भी आ रहे हैं। तो दोनों देखते हैं कि क्या चीज़ जो है ना हम खा रहे हैं। इन चलो कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई अच्छा सा चीज़ खिला ले, क्योंकि ये मेरे भाई का जो है ना, ये बहुत अच्छा, ये कह रहा रेस्टोरेंट है, पसंद है उसको, उसके पराठे वगैरह। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या हम खा रहे हैं। तो अकमल, इतनी दूर जा रहे हो, पता नहीं क्या हुआ है, ये मेरे ख्याल से भूख ज़्यादा लगी है इस वक्त। बात नहीं, स्कूल जा रहा ना सीधा सर पे। अच्छा, मौसम एकदम गर्म हो गया ना, तो देख ले सुबह भी बारिश हुई है तकरीबन। सुबह माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हुई है, फिर भी जो है ना धूप निकला हुआ है, तो पसीने से, ये देख आपको हम देख रहे होंगे कितने पसीनों आए हुए हैं हमारे ऊपर। टेंशन आपको दिखाते हैं अभी होटल खाने वाले हैं। थैंक यू। जग मिला है, तो मैं पहले सोचा था कि इसमें कोई चाय लेके आया या क्या चीज़ लेके आया है। तो ये जग है, तो आप देख ले इसमें पानी पड़ा होता है, ठंडा पानी। तो फिर हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जग है या इसमें अभी ठंडा पानी उसने डाला है। वो कह रहा था कि इसमें पानी जो है ना गर्म नहीं होता। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है होटल के लिए, आप घर में रख रहे हो तो ये अच्छी चीज़ है। जिसके पास हम आ रहे थे वो ये हमारा दोस्त है जट साहब। जट साहब, क्या हाल है? ठीक हो जी? जट साहब, आप मेरे ख्याल से सियालकोट के रहने वाले हो ना? मैं बावल नगर। बावल नगर क्यों? ये किधर वाक़ है बावल नगर? चिश्ती है, चिश्ती है, ये हैदराबाद चिश्ती है। अच्छा, ये कह रहे थे तो आओ, हम आपको ना कोई डाउट पे चाय मिला।
तो अभी तो रोटी कह रहा है, तो अभी रोटी खिला रहे, ये तो चाय अच्छा चाय साथ में आएगी। अच्छा तो इनशाला इसके साथ गपशप लगाते और इनशाला आगे आपको दिखाएंगे। अभी भी अभी हमने खाना खा लिया, तो अभी ये मेरे दोस्त है जट साहब, जट साहब छोटा भाई क्या? अच्छा ये इसका छोटा भाई है, ये थोड़ा सा स्टाइल मैन बहुत करना ये। जट साहब सुनाओ, ये अभी हम जा रहे हैं इसके कमरे में, इसने अभी हमें रोटी और माशाल्लाह अच्छे पराठे, तकरीबन 3 बजे इसने हमें पराठे खिलाए हैं। ये जट साहब जो है ना, इसकी मेहमान नवाजी का हम बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जट साहब तुम भी कुछ बोलो ना यार, तुम भी कुछ चुप हुआ, खुद बोलोगे, मैंने कुछ नहीं बोलूंगा। स्पेशल आपके लिए आए हैं, आपके पास आए हैं। बोला नहीं होगा, बोलना तू नहीं है, मैं उसको कभी नहीं जट, मैं कह रहा हूँ ये तुम जो है ना थोड़ा सा बातों में जो है ना ठीक हो, हाँ बात आप कर सकते हो। बस ये दोस्त आए हैं, इनको नाश्ता नाश्ता करवाया, नाश्ता हमने कभी किया और बस अपनी रश पे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जट साहब अभी कैमरे में नहीं बोल सकता, वैसे ये बहुत ज़बरदस्त बोलता है, पता नहीं अभी इसको क्या हो गया है। ये देखना अभी, ये हम जा रहे हैं अभी नीचे जा रहे हैं। ये इसका ऑफिस है पूरा, ये एल्युमिनियम का काम कर रहा है, ये हमारा दोस्त है, ये इसका ऑफिस है। तो आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। वस्सलाम, बाय।